अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पहली शायरी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, है ना आंटी? हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है शायरी में उठ के। मैं तो सोई नहीं, खुशी की मारे जागी थी, है ना। आपकी पशरफ और इन लोग सब सो गए थे, मैं उठने के साथ में सबसे पहले चाय चढ़ा दी, फिर तुम्हारे भाई को उठाई, मैं बोली दूध ला के दो, तो दूध 4 बजे आया तो दूध ला के दिए। फिर मैंने रात को ही सालन बनाकर रेडी करके रख दी थी बच्चे लोग के लिए, देखिए है ना। बस है ना, अभी यहाँ पर गर्मा गर्म से पराठे बना रही हूँ, देखो एकदम गर्मा गर्म पराठे, ये बच्चे लोग खाएंगे अच्छे से, पेट भर के खाना बेटा। उसके बाद में फिर थोड़ा बैठ के आसान होगी तो नमाज पढ़ लेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर मस्त गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, दिखाती हूँ मुझे कैसे पराठे बनाती हूँ। आटा गूंद के मैंने रात को ही फ्रिज में रख दी थी एक डब्बे में भर के, और फिर मैं बोली इसको क्या अच्छे तरह से आटा सॉफ्ट भी हो गया, जैसे कि मैंने 10-11 बजे के टाइम पे आटा गूंद ली थी और उसे गूंद के मैंने रख दी फ्रिज में बराबर। और मस्त एकदम मैं बोली इसके मजेदार पराठे बना दूंगी। देखो अभी एक पराठा मैं आपको बना के बताती हूँ। आपको घी लगाना है तो आप घी लगा सकते हैं, अगर आपको ऑयल लगाना है तो ऑयल लगाइए। मैं अंदर साइड में घी लगा के उसको बेये कर रही हूँ, अभी ऊपर साइड में मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। इतने पराठे अम्मी ने बना लिए, हम लोग उठने से पहला मेरे बच्चे उठने से पहले बना दिए ना, बच्चे लोग को टाइम नहीं लगना होता ना। गर्मा गर्म पराठे एकदम फास्ट फास्ट काम करने का, सही हो गई रमजान हो रोज इफ्तार का टाइम हो गया, फास्ट काम करने का, स्लो में नहीं जाने का, क्योंकि हमें भी दूसरे भी काम रहते तो हम दूसरे भी काम करना रहेगा, तो फटाफट से सब काम कर देगा। ये देखो फर्स्ट क्लास पराठे हमारे यहाँ पर एकदम मजेदार पराठे, एकदम सॉफ्ट है। चलो अभी सब लोग तुम लोग बैठो फटाफट से सैरी करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे तुम लोग को निकाल निकाल के देती हूँ, तुम लोग खा लेंगे तो उसके बाद मुझे भी खाने मिलेगा ना अपना, तो मुझे टाइम हो जाएगा। 4:30 हो गया सर, आमिर भाई को आवाज दे। तो चलिए माशाल्लाह सैरी करके हो चुका है और अजान भी हो गई, नमाज जाके आ गए इन लोग, है ना। अभी नमाज भी हो गई हमारी, अशरफ नहीं गया नमाज को, अशरफ को मार लगा करके सो रहा है, फिर तो सो जा, दवा खाया था, रोजा रखा सहरी किया है ना। अभी नमाज जाके आए, अब भी अब्बा नमाज। अस्सलाम वालेकुम, पहला रोजा पहली सूरी सबको मुबारक हो। बाहर उजाला हो गया ना, हाँ उजाला हो गया ना, बाहर है क्या, बाहर एकदम उजाला, ये बाहर पूरा उजाला, 6:30 बजे आके। मैं भी रात भर सोई नहीं हूँ, मैं कोई साल सोती नहीं हूँ, जागती जो मैं, अम्मी हर साल जागते सही तक, सैरी करके नमाज पढ़ के फिर उसके बाद ही सोती हूँ, क्योंकि मैं अगर एक बार सो गई इसको फिर उठा के हाथ से मुझे दबा सती बहुत। अल्लाह की गाय है, अगर मैं सैरी अगर मैं कभी छपकी लग गई तो फिर मेरी उठ नहीं पाती मैं, इसलिए मैं क्या करती जागी रहती बराबर, उठी फटाफट पराठे हो गए, बच्चे खा पी लिए, नमाज हो गई, अभी 6:30 बजे तो सोती हूँ, जोहर की अजान के पहले उठ जाऊंगी। कल जुम्मा है, कहाँ जल के जुम्मा, आज ही आज ही जुम्मा है ना। तो चलिए आप लोग भी अभी सहरी करके ऐसा थोड़ा टाइम थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उठेंगे, ये मिलते हैं कल, कल जुम्मा के बाद इफ्तारी तैयारी, देखते हैं अम्मी कल क्या इफ्तारी बनाते, सरप्राइज आज कल बोल रहा हूँ, पहली इफ्तारी क्या देगी देखते हैं। चलिए गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। रमजान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। आपको भी तुमको भी और आप लोगों को भी रमजान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहो, अच्छे रहो, आबाद रहो, है ना। हाँ। यही दुआ है हम लोग दोनों की। आखिर तो भी बोल बराबर। अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान का पहला जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अशरफ नहीं है, अशरफ नमाज पढ़ने गए, दूसरी जमात पढ़ने गए, मैं और अब्बा पहली जमात पढ़ के आ गए। चलो अभी अशरफ आएगा तो देखते हैं। अपना काम शुरू करने के लिए। हाँ। तो जब तक करे तब तक अभी टाइम हो जाता है। हाँ, तो चलिए अभी नमाज पढ़ कर हो चुका है मेरा, अभी मैं जा रही हूँ बस अभी इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। अभी बज रहे हैं 2 बज के, चले गए ना। हाँ, 2:30 बजने आए। 2:30 बजने आए, मौसी आए थे, राजा उधर पे मौसी आए, मौसी ने बर्तन धो लिए, सब बर्तन धो के रख दिए, किचन में साफ करके पूरा रख दिए अच्छी तरह से पोछ के। अभी मैं इफ्तारी की तैयारी करूँगी। इफ्तारी की तैयारी करे करे तक की अभी कितना 6 बज जाएगा। हाँ। फिर असर की नमाज। हाँ, असर की नमाज पढ़ेगा, फिर असर की नमाज पढ़ के फिर उसके बाद में जो भी तलने का रहेगा, फ्राई करने का रहेगा, वो करने का स्टार्ट कर दूंगी। बराबर है ना। फिर उसके बाद में देखते आगे मगरिब। हाँ। की नमाज बाद आप लोगों को मिलेंगे हम लोग। बराबर, अभी तो बनाते रहेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा निकालते रहूंगा ना, बीच बीच में आप बात करते रहना। चलिए अभी बस तैयारी चालू कर देते, तभी चिकन लेने जा रहे। तो चिकन लेने जा रही हूँ, धूप बहुत तड़क है आज, और हम लोगों ने रात को बहुत कम पानी पिए। हाँ। एक बाटली भी पानी नहीं पिया, एक बॉटल भी, वही साले में रोटी खाए थे उसके ऊपर। हाँ। थोड़ा ही पानी पिए, पानी नहीं पिए सुबह सहरी में। आज धूप भी आज बहुत कड़क है, धूप देखो कितनी कड़क है आज बाहर। अल्लाह ताला सबको सबर दे, अल्लाह ताला जितने बाहर रोजा रखते, जितने लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जो फेरी वाले रहते हैं, जो लोग, अल्लाह ताला उन सबको सबर दे। हर जॉब करते हैं उन लोग भी रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को भी सबर दे, हर एक इंसान को सबर दे। आमीन। जरूर जरूर जरूर। तम्मी लेके आ गए सब तुम सामान जाके बाहर से। चिकन लेके आई। हाँ, और ये आधा किलो अलग ली, आधा किलो अलग ली। अच्छा, ये चिकन का क्या बनेगा? एक आधा किलो चिकन का मैं ये बनाऊंगी ब्रेक बॉल्स। अच्छा, ब्रेक चीज बॉल। हाँ, ब्रेक। हाँ, चीज नहीं, इसमें वो रहेगा अपना मेयोनीज। मेयोनीज, मेयोनीज चीज बॉल बनाऊंगी, और इसका चीजी सीख कबाब बनाऊंगी। अच्छा, चीजी सीख कबाब। हाँ। और उस और बनाऊंगी वो कैरेमल कस्टर्ड। बराबर, तो अपने घर में रोज बनता है। रोज बनता है, पहले क्या छोटी छोटी वाटी में बनाते थे ना, एक ही बॉल में बड़े में बनाते हैं। एक ही बॉल में बड़े में बना के ऐसा बीच में रख देना तो ऐसा हिलता तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और बना रही हूँ कांदे का भुजिया। हाँ। और चटनी वगैरह तो सब बना के दे रही है। आप लोगों को देखना है तो मेरे अफरोज किचन पे मौजूद है। हाँ, देख सकते हैं। और बनाने वाली हूँ, लोग बोल रहे कि फालूदा मत बनाओ, फालूदा का वो रेडीमेड, वो रेडीमेड फालूदे में फिर वो लंबा लंबा, वो क्या बोलते हैं उसको, सेवई, फिर वो नीचे आते फिर वो नहीं पिए जाते है। मम्मी को बोला मम्मी सिर्फ तुम दूध में रू अफजा डालो और सब्जी के भी, और ये बस वही। हाँ, वही डालते ना। हाँ, और शक्कर डाल के वैसा वाला अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। टैंक मत बनाओ, रू अफजा रहेगा ना, कल टैंक बनाना, रू अफजा मत बनाना। सबसे पहला क्या बना लेगे तुम फिर? सबसे पहला मैं अभी चिकन धो लेती हूँ, चिकन को धो के रख लेती हूँ, जिससे उसका पानी निकल जाएगा। जब तक का मैं बना लूंगी ये अपना कस्टर्ड, कैरेमल कस्टर्ड को दूध गर्म करके वो बना के उसको ठंडा करके फ्रिज में डाल दूंगी। बराबर। उसके बाद में फिर अपना रू अफजा एक शरबत बना के उसको फ्रिज में डाल दूंगी, जब तक ठंडा हो जाएगा फिर ये दोनों की तैयारी करूंगी। सबसे पहला सीख बना के चीज भर के उसको रख देंगे, पानी में बॉल बनाएंगे, उसको भी भर, उसको भी पूरा करके रेडी कर दे, फिर फ्राई करने का। चावल थोड़ा सा बचा हुआ है ये। हाँ। बच्चे अगर लगेगा तो खा लेंगे, ये सालन भी है, पाव या नान लेके आके ये भी खा लेंगे। सहेली का सालन है चालू करते हैं। पहले रमजान की पहली इफ्तारी, पहले रमजान की पहली इफ्तारी है ना। अभी क्या जरा रोजा खोलने के बाद में आवाज थराके में निकलेगी, अभी रोजा है, रोजे में ना तो थोड़ा स्लो है, स्लो है अभी। चलो फटाफट काम करते हैं। चलिए, यहाँ पे पहले इफ्तारी का काम चालू हो चुका है। माशाल्लाह। यहाँ पे मम्मी सीख बनाने का काम चालू है, इधर चीज रखा है, चीजी सीख बन रही है अभी। हाँ। मम्मी टेस्टी बहुत लगती है खाने में। आपको अगर इसकी कोई भी रेसिपी देखना है कि रमजान में हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सब आपको अफरोज किचन पे देखने मिलेगी, है ना। जरूर, और जरूर देखना जाके। अरे मैं आप लोगों के साथ में रोजा खोलूंगी, आराम से बैठ के बात करूंगी। हाँ। चलो वो ना ऐसा पतला
मैं पानी क्यों नहीं डालने मुझे, क्योंकि इसमें भी पानी रहता है ना, अब पानी डाल के इसको डालते ना तो और पतला हो जाता फिर। रोजा रख के झूठ बात मत करो ना, रोजा रख के भी झूठ बोले के पानी डालना ही नहीं मैंने। क्या बनाया मम्मी तुम्हें यहाँ पे? ये यहाँ पे मैंने ये बनाई रूअब्जा। रूअब्जा शरबत। तो ये रूअब्जा मतलब इफ्तारी के बाद पीने का तो ठंडा रहता है पेट में ना। रूअब्जा ना, रूअब्जा शरबत बना के पीना, क्यों मालूम है? इसमें दूध वाला, और दूध को ना कभी भी गर्म करके मत यूज करना। अच्छा, रोजा रखते है ना तो बहुत सी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम होती है ना, देखो ना। तो चलिए अभी यहाँ पे मैंने दस्तरखान लगा चुकी हूँ और यहाँ पे मैं रख रही हूँ रमजान की, ये मेरे रमज़ान के बर्तन हैं जो मैं कोट माले पे रखती हूँ, सिर्फ रमज़ान में ही मैं इसे निकालती हूँ। एक तरफ मेरी इफ्तारी की भी तैयारी चालू, एक तरफ मेरी शूट भी हो रहा है, मतलब वीडियो भी शूट हो रहा है और टाइम भी हो रहा था। क्या ना पहला रोज़ा रहता है ना तो थोड़ा टाइम का जजमेंट समझ में नहीं आता कि कितने बजे से मुझे खड़े होना है रेसिपी बनाने के लिए। आज पहला दिन था तो बहुत घाई घाई हो रही थी। माशाल्लाह तुम्हारे भाई भी आ गए थे फ्रूट लेकर, तुम्हारे भाई फ्रूट काट रहे थे, मैं बोली तुम फ्रूट काट के ले लो, मैं फटाफट से सब फ्राई करके ले लेती हूँ। उधर अशरफ भी बैठा हुआ था, हिबा बैठी थी, है ना आसिफ? हाँ। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये रौनक देखने के लिए मेरी आँखें तरस जाती है घर में, क्या रमज़ान का कब ऐसा माहौल आएगा। तो यहाँ पर मेरा कबाब फ्राई करना भी चालू था, मेरा जो बॉल बनाई थी ना मैंने, मोयनीज ब्रेड बॉल बनाना भी चालू था। अगर आप लोगों को ये दोनों की रेसिपी देखनी है तो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम है अफरोज किचन, है ना? बराबर। तो चलिए गाइस, माशाल्लाह रोजा खोलने का टाइम हो चुका है, तो चलिए अभी हम लोग रोजा खोलने बैठ रहे हैं। आजान हो रही है, आप लोग भी आ जाइए रोजा खोलने के लिए। बिस्मिल्लाह बोलकर रोजा खोलते, दुआ करते सबके लिए। चल खोल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني، بسم الله. अल्लाह पाक हम सबका रोज़ा कबूल अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।